पाकिस्तान जो पाकिस्तान की कांग्रेस में है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हो. Every commissioned or gazetted officer in the military, naval or air forces of Pakistan while in the service of the state. Iske ilawa fauj ke tino shobe hain, air force hai, naval hai ya phir military hai, tino shobon mein kaam karne wale jitne bhi afsar hain ya phir jo fauj hai, fauji hai, wo sabke sath public officer kehlate hain. Every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, to make, authenticate or keep any document. Acha, iski thodi si division kar le, isko yaad karna thoda mushkil hota hai, lekin aap iski division is tarah se kar sakte hain. Sabse pehle, every officer of a court of justice, court of justice ye jo hamari adalatein hain, इनके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उसमें जजेस भी शामिल हैं और इसमें जो बाकी का अमला होता है वो भी शामिल है. अब उनकी कौन कौन सा अमला या उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, सबसे पहले एनी ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, ये एक ही यहाँ से आप इसको अंडरलाइन करते जाएं, टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट on any matter of law or fact. यहाँ तक जो officers investigation करते हैं और उनकी report किसी भी fact या किसी भी law पर अदालत में जमा करवाते हैं वो भी public officers कहलाएंगे. IO हो गए या inquiry के लिए अगर court ने किसी को appoint कर दिया है तो यहाँ पर वो public officer कहलाएगा. Number दो, or to make, authenticate or keep any document, यानी कोई document बनाने, उसको authenticate करने के लिए. authenticate का मतलब होता है कोई भी मौजू जो document जो specific document होता है किसी भी चीज के लिए, किसी को authorize करने के लिए, कोई authority देने के लिए जो genuine document मुसद्दका जिसको आप छुपला नहीं सकते, उसे हम कहते हैं authenticate. Or keep any document or to take charge. अच्छा यहाँ पर सिर्फ document तक, यानी कोई भी court के जो document अपने पास रखते हैं या फिर उनको बनाते हैं या उनको authenticate यानी उनकी authority से related कोई order करते हैं या उनको stamp पर उन पर लगाते हैं, ये एक ये दूसरी category हो गई. Number तीन, or to take charge or dispose of any property. Court का जो अमला किसी property का charge लेने के लिए, उस property को dispose of करने के लिए या फिर उसकी attachment के लिए जो भेजा जाता है, तीसरे number पे ये लोग आ गए. Or to execute any judicial process. कोई भी judicial process court ने अगर attachment के लिए कोई ballot भेजा है, कोई commission मुकर्रर कर दिया है, नंबर चार पे ये लोग आ गए. और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, कोई ओथ के लिए जो वहां पे स्पेसिफिक अमला होता है पुराने पाक पे ओथ लेने के लिए, ये हो गए नंबर पांच. और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन दी कोर्ट एंड एवरी पर्सन. अब यहाँ पे आ गए और टू इंटरप्रेट. इंटरप्रेट यानी एविडेंस या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने वाले, किसी डॉक्यूमेंट अगर कोई वो किसी और जुबान में लिखा हुआ है तो उस जुबान की इंटरप्रिटेशन के लिए जो अमला वहाँ पर मौजूद हो या किसी पर्सन को कोर्ट में अपॉइंट करना हो, ये हो गए नंबर छः. जी बिल्कुल, कोई भी पर्सन जो ओथ एडमिनिस्टर कर सकता हो कोर्ट में या फिर कोर्ट से बाहर. उसके बाद नंबर सात पे, और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन दी कोर्ट. कोर्ट का बाकी अमला जो वहाँ पे जो आप लोग देख रहे होते हैं, क्या उसको कहते हैं, नायब कासद, या जो पुलिस का वहाँ पे अमला खड़ा होता है, जो प्रिजर्व फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर, ये
ये सब के सब लोग जो हैं ये कोर्ट के पब्लिक ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये सात किस्म के लोग हैं। इनकी बेशक आप नंबरिंग कर लें इनको याद करने के लिए, ये सात किस्म के लोग हैं। इनको आप अलग अलग से लिख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय द विश ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। किसी भी शख्स को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए कोई ऑफिस या फिर अपने अपने पास के हिसाब से, जिस तरह पुलिस का अमला है, थाने वाले जो होते हैं, थाने में जो अमला है जिनको अख्तियार है कि वो किसी शख्स को कन्फाइन कर सकते हैं, या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको अख्तियार होता है किसी को अरेस्ट करने का, उसको कन्फाइन करने का, या फिर अगर कोई बेलप है, बेलप अगर किसी को अरेस्ट करने के लिए गया है, वो बेलप उसे कन्फाइन करे, उसको वो अरेस्ट करके, ये सारे लोग पब्लिक ऑफिसर्स कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस। इसमें वो तमाम इदारे, वो तमाम एजेंसीज आ जाती हैं जिनका काम जुर्म को रोकना, इसमें पुलिस भी है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें शामिल हैं। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, किसी ऑफेंडर्स जो हैं उनको कोर्ट तक या उनको सजा तक लेके आना, या फिर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ये जितने भी हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए होते हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं ये पब्लिक ऑफिसर कहलाते हैं। जी यहाँ पे ये लिस्ट आई थिंक जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इनकी आप कैटेगरीज बना लेते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है इसको याद करना। अच्छा, जिसके बाद एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे। ये जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये जितने भी लोग हैं जिसमें कोई भी, इसको भी आप अगर कैटेगरी वाइज करना चाहते हो, इसमें भी कुछ 6 के करीब लोग हैं जिनको आप 6 हेडिंग्स में, चाहे 6 पॉइंट्स इसके बना लें, हेडिंग्स नहीं, 6 पॉइंट्स, 6 तरह के लोग हैं इस एक हेडिंग के अंदर जो जिनका ताल्लुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू ऑफिसर्स की हेडिंग आप देने के बाद इन 6 तरह की पॉइंट्स बना के इन लोगों को आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। Whose duty it is as such officer, यहाँ से to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government. Government की बिहाफ पे जो कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं, जो हमारे कमिश्नर वगैरह होते हैं रेवेन्यू या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, या फिर जो मालिया का डिपार्टमेंट है, जितने लोग हैं जिनका काम, जिसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू, ये सारे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। चाहे वो सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो असेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर, नंबर ए। दूसरे नंबर पे और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी का सर्वे करना हो, उसकी असेसमेंट करनी हो। असेसमेंट से मुराद ये है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना मालिया या कितना जो लगान है वो वसूल किया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स वगैरह दिए जाते हैं जरिए, जिसे हम मालिया कहते हैं। उसके बाद और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, या कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी, किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करना है, ये सारा रेवेन्यू प्रोसेस होता है, इसको एग्जीक्यूट करने वाला जो अमला है वो भी। और टू इन्वेस्टिगेट
or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government. ये भी जो मारिया से related है, revenue board के जो officers होंगे जो revenue से related मामलात में investigation कर रहे होते हैं और उनकी report भी revenue department को दी जा रही होती है. उसके बाद है or to make authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government. Government के लिए जो भी जो वो pecuniary यानी जो माली लिहाज से interest है उसको किस तरीके से इसका तखमीना करना है, वो सारी documentation जो तैयार की जा रही होती है. ये जितने पटवारी मौजूद हैं, पटवारियों से ऊपर जो तहसीलदार मौजूद हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू को सेव करना या गवर्नमेंट के बिहाफ पे रेवेन्यू हासिल करना, ये सारे का सारा डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया जाता है उससे मुतलका मुख्तलिफ अफाल सर अंजाम दे रहे होते हैं. और टू प्रिवेंट द इंस्पेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेकनरी इंटरेस्ट ऑफ एनी, या फिर गवर्नमेंट पे के बिहाफ पे गवर्नमेंट को किसी माली नुकसान से बचाने के लिए जो भी इकदाम करने हो वो इस डिपार्टमेंट के तहत. ये छह तरह के लोग हैं, यानी डिपार्टमेंट जो है उसको छह तरह के लोग उसका जिसके जो अफाल है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं. उसके बाद है एवरी ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ एड ऑफ द गवर्नमेंट रिम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी. अच्छा, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट ने किसी फीस पर, किसी भी मुआवजे पर या फिर किसी कमीशन पर कोई भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मुकर्रर किया गया हो, जिस तरह के गांव में वो जो इकट्ठा करते हैं, गांव में कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी जाती है कि वो पूरे गांव से मालिया इकट्ठा करें और उस मालिया में से उनका कुछ ना कुछ शायद 5% उन लोगों ने अपना रखना होता है, वो सारा ज़मीनों से मालिया इकट्ठा करके वो जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तो उन लोगों को अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उनको कमीशन दे, चाहे उनको फीस दे या किसी भी तरीके से रिम्यूनरेशन दे, वो भी पब्लिक ऑफिसर ही कहलाते हैं. उसके बाद जी नंबरदार, बिल्कुल जो नंबरदार होता है वो मेरा ख्याल है 5% लेता है हर पर्सन से जो मालिया उसने इकट्ठा करना होता है अपने गांव से, सारा लेके 5% के हिसाब से उसने अपने पास रखना होता है कमीशन और बाकी उसने गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना होता है. उसके बाद है जी रूल्स. रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल और नेट अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125. सीपीसी पीछे जो है वो शेड्यूल इसका दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंस दिए गए, उनको भी हम देखेंगे कि वो हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो समन या बहुत सारे नोटिस वगैरह जो जाते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं, ये सारे के सारे पीछे जो शेड्यूल दिया गया है उसमें मुख्तलिफ उसकी पार्टीशन करके अपेंडिक्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे. Share in our corporation shall be deemed to include stock, जी वो जब सेक्शन 125 पे जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे. फिलहाल जिस शेड्यूल की उन्होंने बात की है उसमें मुख्तलिफ उन्होंने कहा है रूल्स और बाकी जो चीजें होंगी वो हम शेड्यूल में चेक करेंगे कि शेड्यूल में है क्या क्या चीजें. Share in our corporation shall be deemed to include स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर्स और बॉन्ड. शेयर इन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन जो है ऐसी कंपनी है जो के रजिस्टर्ड होती है. अब उस रजिस्टर्ड कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी वहाँ पे
जो शेयर हैं हिस्साधार होंगे उन सब में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज जो है या फिर बॉन्ड्स से रिलेटेड है, ये सारे के सारे साइंड सेफ इन द केस ऑफ अ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। साइंड के मुराद किसी भी जजमेंट डिक्री या फिर ऑर्डर के ऊपर जो जज ने अपनी स्टैंप लगानी है या जो उसने अपने एक सिग्नेचर उसके ऊपर करने होते हैं साइंड के मुराद, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे लिखा होगा साइंड एंड सील्ड। साइंड एंड सील्ड का सिग्नेचर होंगे वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का, और उसकी एक मखसूस सील होगी जिसके तहत उसे उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जाता है। साइंड एंड सील्ड आगे समन वगैरह जो है उस सेक्शन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन नंबर 3 में कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सेक्शन 3 जो है इसमें हायरार्की बयान की गई है सिविल कोर्ट की। इसके साथ हमने शायद सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 14 है जो इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ, यहाँ पे स्मॉल काजेस का वर्ड ओमिट कर दिया गया है, इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सबसे पहले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेशन में आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो सिविल कोर्ट्स हैं मुख्तलिफ ग्रेड की, सिविल कोर्ट 1, सिविल कोर्ट क्लास 2 और सिविल कोर्ट क्लास 3, ये इनकी हायरार्की है। हायरार्की मेरा ख्याल है सबको याद ही होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अक्सर बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इसमें। सिविल की बात की जाए तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे हम सेशन कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिविल और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं इन दोनों को हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाए ना हायरार्की क्या है, वो सिविल और जो अपना क्रिमिनल है उन दोनों को एक ही जगह पर शामिल करके बता रहे होते हैं। सिविल में सेशन कोर्ट भी, और अगर क्रिमिनल की बात हो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगाया होता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है जी सेविंग। सेविंग की अगर हम बात करते हैं सेविंग जो है यहाँ पे आ जाती है एक तरह से, इसका वर्ड जो होता है वो एक्सेप्शन की मीनिंग में आता है। In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force. अच्छा, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सिविल CPC है ये किसी भी दूसरे लॉ को, जो लोकल लॉ है उसको अफेक्ट नहीं करती। किसी भी तरह का कोई स्पेशल या लोकल लॉ अगर इस मुल्क में नाफिज़ अमल है, इनफोर्स है, तो उसको ये इफेक्ट नहीं करेगी। नंबर 2 पे In particular and without prejudice to the generality of the proposition contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land. Yani, जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स के अंडर जो रेंट एग्रीकल्चरल रेंट लिया जा रहा है या फिर उसका प्रोड्यूस लिया जा रहा है, अगर किसी दूसरे कोर्ट के तहत कोई रेमेडी अवेल की जा सकती है तो CPC उसको अफेक्ट नहीं करती। मसलन जो रेवेन्यू की जो अदालतें हैं,
वहां से अगर कोई रेमेडी दी जाए तो उनके पास कंक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है किसी भी लैंड से रिलेटेड उसके रेंट या फिर उसके प्रोड्यूस के मामला को निपटाने की, और उनकी ज्यूरिसडिक्शन को सीपीसी बिल्कुल भी मुतासर नहीं करती। सेक्शन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ टी कोड टू रेवेन्यू कोड्स। वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल इनएक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by the code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modifications as the provincial government may prescribe. रेवेन्यू कोड से रिलेटेड सीपीसी में अगर रेवेन्यू कोड से रिलेटेड कोई प्रोविजंस मौजूद हैं जिनके तहत कोई भी प्रोसीजर रेवेन्यू कोर्ट्स ने अपनाया होगा किसी स्पेशल लॉ के तहत या फिर कोई भी, यानी रेवेन्यू कोर्ट पर अगर किसी तरह का कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है या फिर जो सीपीसी की प्रोविजंस हैं जिनके तहत रेवेन्यू कोर्ट्स के जो प्रोसीजर हो रही होती है, रेवेन्यू कोर्ट्स की जो अदालतों में जितनी भी कार्रवाई होती है उन पर सीपीसी के कुछ सेक्शन अगर साइलेंट हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी कि क्या इन साइलेंट फीचर्स पर सीपीसी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। रेवेन्यू कोर्ट्स का अपना एक प्रोसीजर है, जो सिविल कोर्ट्स हैं उनका प्रोसीजर अलग है, लेकिन बाज दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ, रेवेन्यू कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स हैं, अगर उन स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई लॉ या प्रोसीजर खामोश है, मुकम्मल तौर पे प्रोसीजर वहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट का नहीं बनाया गया, तो फिर ये गवर्नमेंट ने तय करना है कि सीपीसी के कौन से सेक्शन उन कोर्ट्स पर उस जगह पर एप्लीकेबल हो सकते हैं और कौन से नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई कानून मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग सिविल कोर्ट का सिविल प्रोसीजर को हम वहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उस जगह को इस जगह को हम फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फैमिली कोर्ट जो है, फैमिली लॉ ज़ाहिर है वो भी एक स्पेशल लॉ है और उनका अपना एक प्रोसीजर वहाँ मौजूद है और वहाँ पे बता भी दिया गया है कि QSO और CPC एप्लीकेबल नहीं है, उनका अलग से एक प्रोसीजर बता दिया गया है। लेकिन फिर भी बार दफ़ा ऐसा होता है किसी भी स्पेशल लॉ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामोशी पाई जाती है। अब उस खामोशी को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई अगर रेमेडी नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, तो अदालतें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। अदालतें क्या करेंगी, पहले से मौजूद जो भी प्रोसीजर होगा वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि रेवेन्यू कोर्ट्स, अगर रेवेन्यू कोर्ट्स से रिलेटेड जो स्पेशल लॉज हैं रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड, अगर उनमें कहीं पे कोई खामोशी पाई जाए तो उस खामोशी को तोड़ा कैसे जाएगा, इस बात का फैसला गवर्नमेंट ने करना है कि फिर उस खामोशी को तोड़ने के लिए सीपीसी की कौन कौन सी प्रोविजंस वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती हैं और कौन कौन सी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। रेवेन्यू कोर्ट्स इन सबसेक्शन 1 मींस अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द रेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट्स अलग हैं, सिविल कोर्ट्स अलग हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स का मामला सारे का सारा ज़मीनों से है, उन ज़मीनों के रेंट से, जो ज़रई ज़मीन है उसकी बात हो रही है, ज़रई ज़मीनों से, उनके जितने भी उनकी पार्टीशन से
और उसका जो रेंट है उसके जो प्रॉफिट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे का सारा मामला रेवेन्यू कोर्ट में डील होता है एंड डज नॉट इंक्लूड सिविल कोर्ट में हम उस मामले को नहीं उठा सकते। पार्टीशन के लिए भी अगर हमने जाना हो तो हम प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए कहाँ जाते हैं, एसी की अदालत में एप्लीकेशन देते हैं ना किसी भी प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए। सिविल कोर्ट में तब जाते हैं जब हमने शहरी जमीन या शहरी किसी शहरी इलाके में किसी प्रॉपर्टी को डिवाइड कराना हो, उसकी पार्टीशन करानी हो, तो फिर हम जाएंगे सिविल कोर्ट में, वरना हम एसी की अदालत में जाते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस कोर्ट टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग एज बीइंग सूट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सिविल नेचर। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहली बात तो यह है कि जमीन से रिलेटेड जितने भी अख्तियार हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू कोर्ट्स को हैं, और दूसरे हिस्से में वो कह रहे हैं कि इसमें सिविल कोर्ट्स का कोई अमल दखल नहीं है। जो मामला रेवेन्यू कोर्ट के डील करने वाले हैं, सिविल कोर्ट उन मामला में दखल अंदाजी नहीं करेगी, ना वो सूट इसमें फाइल किए जाएंगे, ना कोई ऐसी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में लाई जाएगी। उसके बाद है जी नंबर सिक्स। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अगर हम टॉपिक वाइज चलें, पिछला तो हमने एक जनरल थी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ले ली। अब यहाँ से हमारा ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ज्यूरिसडिक्शन जो है ना हमारी जो दो तरह की है, वेटरनरी ज्यूरिसडिक्शन और दूसरी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। नंबर सिक्स जो है ये हमारी वेटरनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। सिर्फ इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हियर इन कंटेन शैल अपेयर टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ईच exceeds plenary limit if any of its ordinary jurisdiction. सिवाय जहाँ पर वाज़ेह तौर पे कोई चीज मौजूद है, कोई लॉ स्पेसिफिकली मौजूद है या उस पर गाइडलाइन दी जा सकती है, सिवाय उस जगह पे, वरना वो कहता है कि कोई भी अदालत जो है जो उसकी मुकर्रर करदा हद है टेक्नरी ज्यूरिसडिक्शन जो उसकी मामूली हद है, वो उससे बाहर निकल के कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकती। जितनी उसकी हद मुकर्रर की गई है उसने उसी हद में रह के कोई भी सूट उसकी प्रोसीडिंग उसने या उसको इंटरटेन करना है, उससे बढ़ के वो उसे इंटरटेन करने की तहर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तीन तरह की अदालतें हैं, सिविल कोर्ट क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको अनलिमिटेड अख्तियारात हासिल हैं। उसके बाद अगर सिविल जज क्लास वन की बात की जाए तो उसके पास भी अनलिमिटेड उसकी ज्यूरिसडिक्शन अनलिमिटेड है, वो किसी भी मालियत का दावा इंटरटेन कर सकता है। नंबर दो पे आएगा सिविल जज क्लास टू है, उसकी मालियत जो है वो 5 मिलियन है, या 5 मिलियन बराबर होते हैं 50 लाख। जी एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, अभी साथ ही उसकी बताती हूँ। फिलहाल हम ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है उसमें सिविल कोर्ट्स की क्लासेस, तीन क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास की अनलिमिटेड, सेकेंड जो है उसकी 5 मिलियन या 5 मिलियन जो है ये बराबर होते हैं 50 लाख के, और जो क्लास नंबर थ्री है उसकी ज्यूरिसडिक्शन है 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन जो बराबर होते हैं 10 लाख के। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है और उसकी अपनी ओरिजिनल ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। जो उसकी ओरिजिनल ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि फर्स्ट क्लास सिविल जज फर्स्ट क्लास की अगर अनलिमिटेड है तो फिर जाहिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी अनलिमिटेड अख्तियारात हैं। ओरिजिनल ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो भी अनलिमिटेड है। अगर हम बात करें एपलेट ज्यूरिसडिक्शन की, तो एपलेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए अगर 50 मिलियन अगर तो सिविल जज क्लास
फर्स्ट में ऐसी डिग्री पास कर दी है जिसकी अमाउंट 50 मिलियन तक है। 50 मिलियन यानी 5 करोड़। तो फिर वो जो अपील होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई सकती है। और अगर उस सूट की मालियत 5 करोड़ से या 50 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी तो फिर वो अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में जरूर जाएगी। 50 मिलियन से नीचे या 50 मिलियन तक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील जाएगी। अगर 50 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी तो फिर हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील जाएगी। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में डायरेक्ट चल जाएगी। क्लियर हो गया सिविल कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और उसके बाद एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन की। 1 मिलियन जी डायरेक्ट हाई कोर्ट में उस वक्त अपील जाएगी जब सिविल जज क्लास फर्स्ट में ऐसे केस का फैसला किया गया होगा जिसकी वैल्यू 50 मिलियन से ज़्यादा होगी तो डायरेक्ट अपील हाई कोर्ट में जाएगी। 50 मिलियन से ज़्यादा और अगर 50 मिलियन तक है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी क्लियर हो गया। आगे चले। अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि हम ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है ज्यूरिसडिक्शन और इसमें दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है, टेक्नरी ज्यूरिसडिक्शन और दूसरी है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी सेक्शन 15-21। टॉपिक के तौर पे आप इसको लिखना चाहते हैं तो ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक आप लिख लीजिए, उसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक होगी टेक्नरी ज्यूरिसडिक्शन जो सेक्शन 6 के अंडर है और दूसरा हिस्सा जो है वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है जो सेक्शन 15-21 पर। अच्छा जिसके बाद सेक्शन 7 ओमिटेड है, जो अब अमेंडमेंट साइन है ना उसके तहत सेक्शन 7 ओमिटेड है। उसके बाद सेक्शन 8 जो है वो पहले से ओमिटेड है, ये प्रेसिडेंसी ऑफ माल का जो स्कोर से रिलेटेड है। 7 और 8 दोनों ओमिटेड हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 9 पे। अच्छा हम सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, लेकिन क्या हमें ये पता है कौन हमें कहता है कि सिविल सूट फाइल करें आप, या फिर कहाँ लिखा है कि सिविल सूट फाइल करें या सिविल सूट फाइल किया जाए। ये हमारा सेक्शन 9 है जिसके तहत हम सिविल सूट फाइल करते हैं। कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर और एक्सेप्टिंग सूट्स of which their cognizance is either expressly or impliedly barred, यानी के जो courts हैं, जो civil courts हैं, इनके पास मुकम्मल तौर पे, जिसे हम कहते हैं exclusive jurisdiction, ये civil courts के पास अख्तियार है कि वो civil nature का कोई भी suit जो है वो कर सकती है। यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी बता दिए गए हैं जो सिविल नेचर के हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं हैं, जिनकी मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को उसका थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। जी ये जो सूट ऑफ सिविल नेचर है इसमें जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं वो सिविल नेचर के हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है, स्पेसिफिक रिलीफ है, सिविल रॉन्ग है, राइट टू वर्शिप, फिर राइट टू बरियल, राइट टू अकाउंट्स, सूट्स रिलेटिंग पार्टनरशिप, सूट्स रिलेटिंग प्रॉपर्टी, ये हमारे सिविल नेचर के सूट।
अच्छा उसके बाद एक और हमारे पास जो लिस्ट है वो उन केसेस की है जो के सिविल नेचर के नहीं है, जैसे मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी, मैटर्स रिलेटिंग टू कास्ट, रिलेटिंग टू इलेक्शंस, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, लिमिटेशन, ये सिविल नेचर के सूट नहीं है। लिमिटेशन जो है कोई भी सूट जो किसी कानून के तहत बार्ड हो जाता है वो सिविल नेचर का नहीं है। जी सूट रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी ये वो है जो सिविल नेचर के नहीं है। सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी, सूट्स रिलेटिंग टू कास्ट, इलेक्शन, पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड लिमिटेशन, लेकिन लिमिटेशन की उस सूरत में जब कोई सूट किसी कानून के तहत ज्यादा लिमिटेशन एक्ट के तहत ही अगर वो टाइम बार्ड हो चुका है तो फिर वो सिविल नेचर का नहीं रहता। जी क्लियर हो गया। जी लिमिटेशन अगर बार हो जाए, लिमिटेशन यानी कोई भी मैटर जो टाइम बार्ड हो जाएगा वो सिविल नेचर का नहीं रहेगा। सेक्शन 9 का अगला हिस्सा जो है, अच्छा इसको हम ना थोड़ा सा मुकम्मल पढ़ें क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हैं, आप लोगों को अमेंडमेंट का भी पता चल जाए और ये भी पता चल जाए। बार दफा ऐसा भी हो रहा है कि बुक्स ली हुई हैं अमेंडेड समझ के, या अमेंडेड क्या है कि हम लेते हैं लेकिन हमें अमेंडेड बुक्स मिलती नहीं है। अच्छा जी यहाँ पे है the courts shall subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Or for which a general or a special law is in force. ये दो चीजें, the source of which their cognizance is either expressly or impliedly barred, or for which a general or a special law is in force. ये दो तरह के जो यहाँ पे इन्होंने बता दिए गए हैं जिनके बारे में मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेसली वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि ये सूट्स जो हैं सिविल नेचर के नहीं हैं, जैसे फैमिली कोर्ट, फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो स्पेशल लॉ के तहत हैं, उसे भी हम सीपीसी के तहत डील नहीं करेंगे, वो भी सिविल नेचर का सूट जो है वो मतलब सीपीसी के तहत हम उसको नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जो क्रिमिनल मैटर्स हैं हमारे सीआरपीसी के तहत, जो पीपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो भी सिविल नेचर के नहीं हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स एक स्पेशल लॉ बनाया गया है वो भी सिविल नेचर का नहीं है। जो तो एक्सप्रेसली बार कर दिए गए हैं वो सूट्स यहाँ पे वो बता रहे हैं, या फिर जिनके लिए स्पेशल एक्ट तैयार कर दिए गए हैं या फिर स्पेशल एक्ट बना दिए गए हैं। जी रेंट भी, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो स्पेशल जितने भी स्पेशल लॉज बना दिए गए हैं वो भी, और इसके अलावा जो सीआरपीसी है जनरल प्रोसीजर है सीआरपीसी उसको भी सिविल नेचर से निकाल दिया गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज ए सूट ऑफ ए सिविल नेचर नॉट विथस्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी से या फिर किसी ऑफिस, ऑफिस से मुराद है किसी भी शख्स का कोई ओहदा या उसकी जो हैसियत होती है उससे रिलेटेड अगर कोई सूट फाइल किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ अगर हम रिलीजियस राइट्स
या फिर सर्मनी से रिलेटेड कोई मैटर डिसाइड कर देते हैं तो वो सिविल नेचर का सूट कहलाएगा। जी क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, स्टे ऑफ सूट। No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same party or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant relief claim, or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the federal government and having like jurisdiction on before the Supreme Court. But the tamam cases jin mein agar ek adalat mein accused file kar diya gaya hai और उसकी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक घर है, उससे रिलेटेड सूट फाइल किया गया, अब उसी तरह का या उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वही पार्टी दोबारा से किसी दूसरी अदालत में सूट फाइल कर लेती हैं, तो हम उसे सेक्शन 10 में ले आते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी है, पार्टी भी वही है, सब्जेक्ट मैटर भी वही है, और जिसमें पहले से जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है वो कंपिटेंट भी है उसको रेमेडी देने के लिए। अब ये एक ही सूट को दो दफा पार्टीज अगर किसी कोर्ट में कंटेस्ट करती हैं तो जो बाद में आया गया सूट होता है उसको स्टे कर दिया जाता है और पहले वाला सूट उसकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहती है टिल द डिसीजन ऑफ दैट मैटर। जब उस मैटर को डिसाइड कर दिया जाता है, अब दूसरा केस जिसको स्टे किया गया होता है वो फिर आ जाएगा सेक्शन 11 में, रेस्ट की काटा। पहले वो केसेस दोनों कहाँ फाइल करेंगे? सेक्शन 10 में। और जब उनमें से एक सूट स्टे हो जाएगा और एक जो है उसकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी, जब उसको डिसाइड कर लिया जाएगा तो फिर ये जो दूसरा केस जिसको स्टे किया गया होता है वो हिट हो जाता है सेक्शन 11 से। जी जब जो आपकी है ना डबल जेपर्डी जो है सेक्शन 403 CRPC के तहत कि एक शख्स को एक ही ऑफेंस के लिए दो दफा सजा नहीं दी जा सकती, तो अब यहाँ पे वही प्रिंसिपल लागू होता है कि एक ही प्रॉपर्टी का एक ही पार्टी के दरमियान दो दफा तस्किया नहीं किया जा सकता। इस तरह से तो फिर लाइन लगी रहेगी जो जिसका दिल किया मुझे फैसला पसंद नहीं आया जी मैं अब दोबारा से इसका फैसला करवाऊँ, फिर नए केसेस नहीं आएंगे, वही केसेस दोबारा दोबारा से कोर्ट्स में रिपीट होते जाएंगे। लिहाजा उसको रोकने के लिए, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सेक्शन 10 के तहत अगर एक ही सब्जेक्ट पे एक ही तरह की जो सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम टाइटल है वहाँ पे, अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं और वही हैं जो पहले केस में भी हैं दूसरे में भी वही हैं, तो ऐसी सूरत में जो दूसरा केस बाद में फाइल किया गया सूट होगा उसको स्टे कर दिया जाता है। पहले को चलाते रहेंगे जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, और जैसे ही उस केस को डिसाइड कर दिया जाएगा तो वो दूसरा केस जिसको स्टे किया गया होता है वो फिर सेक्शन 11 के तहत उसे वो हिट कर देता है, सेक्शन 11 उसको हिट करेगा और फिर सेक्शन 11 के तहत उस सूट को 7-11 में लाके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, बार्ड बाय लॉ कर दिया जाता है।
देखिए सेक्शन 10 वहां एप्लीकेबल होगा जहां एक ही प्रॉपर्टी है, सेम पार्टी है, सेम टाइटल है. जैसे आप देखें ए और बी के दरमियान एक घर का डिस्प्यूट चल रहा है. ए ने बी के खिलाफ उस घर से रिलेटेड कोर्ट में सूट फाइल कर दिया. अब वो चल रहा है, कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा है. लेकिन दोबारा क्या होता है कि जो बी है वो भी एक सूट ए के खिलाफ फाइल कर देगा उसी घर से रिलेटेड, और वो किसी दूसरी अदालत में चल रहा है. तो जो दोबारा फाइल किया गया सूट होगा उसको स्टे कर दिया जाएगा और पहले सूट की लिटिगेशन कंप्लीट की जाएगी. उसका सारा प्रोसीजर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा. जब वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर जो दूसरा सूट जिसको स्टे किया गया होता है वो टाइम बार्ड हो जाएगा, सेक्शन 11 में आएगा और ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है टाइम बार्ड बना के, या वो टाइम बार्ड हो जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सेक्शन 10 जो है उसमें अपील या रिवीजन की बात ही नहीं है. सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ सूट की बात करता है. जब एक सूट डिसाइड हो गया, दूसरा रिजेक्ट हो गया, तो अब वो एक ही सूट के खिलाफ अपील का वही प्रोसीजर होगा जो किसी भी सूट के खिलाफ होता है. सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ सूट की बात करता है, अपील या फिर रिवीजन पर नहीं. जी क्लियर हो गया. देखिए अपील जो होती है ना वो उस डिग्री के खिलाफ होती है जो डिसाइड हो चुकी है, ठीक है. अब यहाँ पे जो दूसरा सूट जिसको स्टे किया गया था वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ, उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया है. तो जो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ये भी एक तरह से डिक्री होती है. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के खिलाफ जो अपील जाएगी वो उस रिजेक्शन के खिलाफ जा रही होगी. अपील का मैटर अलग है. यहाँ पर सेक्शन 10 जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ सूट की बात की गई है. जो आप अपील की बात कर रहे हो ना, ये जो 7-11 में ला के उस सूट को रिजेक्ट किया गया है, और पीछे भी आपने पढ़ा है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है जो 7 ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत होती है वो डिक्री कंसीडर की जाएगी. तो जो सूट यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा उसके खिलाफ अपील में जाया जा सकता है. अब क्लियर हुआ. सेक्शन 10 के तहत हम अपील में नहीं जाते. सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि एक ही तरह के दो सूट नहीं चल सकते. एक को हम चलाएंगे, दूसरे को स्टे कर देंगे. जब एक हमारा मुकम्मल हो जाएगा, दूसरे को टाइम बार्ड करके 7-11 में रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और वो जो रिजेक्शन होती है वो एक तरह से डिक्री होती है, और उस डिक्री के खिलाफ आप सेक्शन 96 के तहत अपील में जाएंगे. सेक्शन 10 का अपील से कोई ताल्लुक नहीं है. क्लियर. जी अच्छा जी, अब हम एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं. डिपेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन. यानी जाहिर अगर किसी मुल्क में जिस कोर्ट को हम लोग, किसी भी फॉरेन कोर्ट को जिसको हम मानते ही नहीं है, जिसका डिसीजन हम नहीं मानते, तो वो वहाँ पे सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा. वो चाहे तो पाकिस्तान में दोबारा सूट फाइल करके उसको डिसाइड करवा सकता है. सेक्शन 10 जो है ना, इसका थोड़ा सा लिख लें आप, जरा डिटेल में आपको समझ आ जाएगी. तो सेक्शन 10 है ये सेकंड सूट को बार्ड नहीं करता, सिर्फ
उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे करता है. फाइलिंग ऑफ सूट, सेकंड सूट जो है ना उसमें फाइलिंग ऑफ सूट को बार नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रोसीडिंग को स्टे करता है. सेक्शन 10 जो है ये किसी भी स्टेज पे इन्वोक किया जा सकता है. आधी प्रोसीडिंग चल गई है, फिर कोर्ट को लगा या पार्टी को लगा कि इस तरह का तो पहले भी कहीं केस चल रहा है, तो फौरन कोर्ट के नोटिस में लाएगी किसी भी स्टेज पे. तो सेक्शन 10 किसी भी स्टेज पे इन्वोक किया जा सकता है. इसके अलावा सेक्शन 10 जो है इसे वेव भी किया जा सकता है. अदालत अगर पार्टी को कोई एतराज नहीं है तो इस राइट को वेव भी कर सकती है दूसरी पार्टी. क्लियर हो रही है ना चीजें? सेक्शन 10 से रिलेटेड कुछ चीजें आपको मैं इजाफी जो बता रही हूँ. किसी भी स्टेज पे इसको इन्वोक किया जा सकता है, और अगर पार्टी की तवज्जो नहीं गई या गई भी है फिर भी उन्होंने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन नहीं दी, तो फिर दोनों सूट्स जो है ये पैरेलल चलते रहेंगे. बाज दफ़ा ऐसा होता है एक शख्स की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान में भी है और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में भी मौजूद है. तो पाकिस्तान में रह के वो अपनी उस प्रॉपर्टी को भी शामिल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है ऐसी कोर्स जिसको पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया हो. जैसे आप देखें यूनाइटेड किंगडम में जो अदालतें हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उन अदालतों को रिकग्नाइज भी करती है, और अगर वो किसी केस से रिलेटेड कोई फैसला दे भी देती हैं तो वो पाकिस्तान में उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जा सकता है. शायद आप लोगों को याद हो कि ये जो जियो और ARY का एक दो चार साल हो गए हैं, दो चार साल की बात है, एक केस चल रहा था मिशकिलुर रहमान के खिलाफ, वो केस पाकिस्तान में भी चल रहा था और वही केस वहाँ पे भी चल रहा था किसी फाइन से रिलेटेड. तो वहाँ पर कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान को फाइन किया था और ARY जो है वहाँ पे उस केस को कंटेस्ट करेगा. हालांकि मीर शकीलुर रहमान या जो जियो है वो तो पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन हम क्योंकि उसको रिकग्नाइज करते हैं लिहाजा वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में कोर्ट ने जो जुर्माना किया था वो उसको पे करना पड़ेगा. जी हो गया क्लियर अब? अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम चलते हैं रेस जुडिकाटा सेक्शन 11. No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such a subsequent suit or the suit in which such issue being subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. Yani ek hi subject matter hai, same parties hain, same title hai, ya phir agar ek apne legal representatives ke तहत aa raha to they same legal representatives hai. Ab aisa agar suit decide ho chuka hai competent court ke zariye jisme subject matter directly or indirectly substantially in issue था, मतलब के डायरेक्ट उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो मैटर, इधर उधर से घूम फिर के नहीं, डायरेक्ट वही एक घर, एक स्पेसिफिक घर, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी,
एक स्पेसिफिक प्लॉट और वो डिसाइड हो चुका है, तो उसी मैटर को आप दोबारा उठा के अदालत में अगर जाते हैं तो अदालत उसको 7-11 के तहत उड़ा देगी। इसे हम कहेंगे रिजेक्शन ऑफ क्लेम। 7-11 के तहत वो जो सूट दोबारा फाइल किया जाएगा वो हो जाएगा पार्ट बाय लॉ। अच्छा जी, उसके बाद जी बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा जो सेक्शन 403 जो है या किसी का, वो भी आप इसमें शामिल कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे समझ आ गई, वो सूट पहले से डिसाइड हो चुका है, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोबारा दूसरा सूट हम फाइल नहीं कर सकते। अब इसमें जो पढ़ने वाली चीज है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2 और 3, एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड प्रियर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रियर देयर टू। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मर सूट है ना, वो वाला सूट है जो पहले डिसाइड हो गया, जो बाद वाला सूट है बेशक वो पहले से चलता आ रहा हो, जैसे सेक्शन 10 के तहत दो पैरेलल सूट चलते रहे हैं, पार्टी ने वेव कर दिया, चलते आ रहे हैं, दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना कोर्ट ने लिया और ना ही जो पार्टी है उसने लिया। अब एक सूट डिसाइड हो गया है, जो बाद में फाइल किया गया था वो डिसाइड हो गया, जो पहले से फाइल किया गया था वो अभी वैसे ही चलता आ रहा है। तो वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले फाइल किया गया था या बाद में फाइल किया गया था, सिर्फ ये देखना है कि पहले डिसाइड कौन सा हुआ। जो पहले डिसाइड हो जाएगा तो दूसरा जो है उस पे सेवन जो सेक्शन 11 है वो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन as to a right of appeal from the decision of such court. अच्छा, अब जो फैसला किया गया है, जो सूट डिसाइड कर दिया गया है, अब वो किसी ना किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही करना है। अगर उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन भी है और वो उस मैटर को इंटरटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट भी है, ऐसी सूरत में कहता है कि जो डिटर्मिनेशन, जो कॉम्पिटेंसी है वो डिटर्मन की जाएगी उस कोर्ट की अपील के हैसियत से, नहीं कि इसके खिलाफ अपील कौन सी कोर्ट में जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या उस मैटर को इंटरटेन करने के लिए उसके पास कॉम्पिटेंसी मौजूद थी या नहीं। उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, उसकी अपील सिविल क्लास 1 में जाए, या उसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या उसे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ट्राई किया था। अपील को हमने नहीं देखना, सिर्फ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को और उसकी ज्यूरिसडिक्शन को देखना। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन फॉर्मल सूट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो रेस जुडिकाटा के तहत जो सूट फाइल किया गया था उसमें रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन भी दी जाएगी। सेक्शन 11 के तहत रेस जुडिकाटा, वो हम एप्लीकेशन देते होते हैं उसकी 7-11 की, 7-11 की एप्लीकेशन दे के उसमें हम प्ली लेते हैं कि ये तो रेस जुडिकाटा में फाइल करता है लिहाजा इसको रिजेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे एक पार्टी जो है उसको उसके खिलाफ आ जाती है, 7-11 की एप्लीकेशन आ जाती है, दूसरी पार्टी को डिनाई कर रही है,
उसके बाद है जी नंबर फोर, एक्सप्लेनेशन नंबर फोर, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्म ऑफ सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर फोर है, ये पूरे सेक्शन में ये पांच इसकी छह एक्सप्लेनेशन है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे हम एक रूल लिखे है हमारा कंस्ट्रक्टिव रेस्ट डिकाना, ये एक्सप्लेनेशन नंबर फोर पे बेस करता है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट डिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस्ट डिकाटा है क्या, एक मैटर जो डिसाइड किया गया है यही समझा जाएगा कि उस एक मैटर से रिलेटेड जितने दूसरे और भी छोटे छोटे मैटर्स हैं वो भी उसके साथ ही डिसाइड हो गए। अब ये नहीं कि अलग अलग सूट फाइल किए जाएं, अब एक घर है उस घर के तमाम उसकी तमाम दीवारें उसकी तमाम छतें अब उसके साथ अगर कोई सहन जुड़ा हुआ है तो वो भी उस घर में शामिल है, और जब उसके बारे में कोई डिसीजन आएगा कोई डिग्री आएगी तो यही समझा जाएगा कि वो दीवारें वो सहन वो चार दीवारी छतें सारी उस घर में शामिल हैं, और जो फैसला किया गया है वो उन सब के तहत सबको शामिल करके किया गया है, चाहे अपने सूट में किसी पार्टी ने स्पेसिफिकली उनका जिक्र किया हो या ना किया हो, या फिर वो उसका जिक्र कर सकते थे लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया, अब उस केस का फैसला हो चुका है तो यही समझा जाएगा कि वो सारी प्रॉपर्टी और उससे जुड़ी हुई हर चीज से मुतल्लिक फैसला हुआ है, जिसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस्ट डिकाटा। अब ये नहीं कि जी घर का फैसला हुआ था सहन का तो हुआ ही नहीं, अब सहन भी उसी घर के साथ शामिल है, दोबारा हम इस बात पे सूट फाइल नहीं कर सकते कि सिर्फ घर का फैसला किया गया है सहन का फैसला किया नहीं गया, हालांकि उस घर में हमने उसे सिर्फ और सिर्फ एक घर के तौर पर लिया है, हमने अलग से उस सहन के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उसका फैसला किया गया तो वो मुकम्मल तौर पर उस घर का भी और उस सहन का दोनों को शामिल करके फैसला किया गया। क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टिव रेस्ट डिकाटा। अच्छा, जिसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। koi bhi relief jo claim kiya gaya tha suit mein to file kiya gaya tha agar court ne specifically uske bare mein koi decision nahi diya to iska matlab ye samjha jayega ki court ne agar iska zikr nahi kiya तो फिर कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया। मतलब तीन हम रेमेडीज या तीन रिलीफ मांगते हैं कि एक तो इस घर में जो हमारी ऑनरशिप है उसके बारे में डेक्लरेशन दी जाए, फिर उस डेक्लरेशन के बाद उस घर का पोजेशन भी हमें दिलवाया जाए, और तीसरा हम कह देते हैं कि जी ये काफ़ी अर्से से हमें यहाँ से बेदखल किया गया था या 10 साल तक मैं इस घर में आया ही नहीं, तो 10 साल तक मुझे इस घर का जो रेंट है इसमें जो रहने वाले हैं वो मुझे 10 साल का रेंट दें। अब ये तीन तरह के रिलीफ मांगे जा रहे हैं। पहली बात ये है कि डेक्लरेशन मिले कि मेरा इस घर में हिस्सा है या मेरी मिल्कियत है, शेयर है मेरा। दूसरी बात ये है कि मुझे मेरे शेयर की हद तक कब्जा दिलवाया जाए। तीसरा रिलीफ इसमें ये मांगा जा रहा है कि 10 साल से क्योंकि मैं अपने इस घर से दूर हूँ जो भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे इस घर का रेंट भी दें। अब ये तीनों रिलीफ में से कोर्ट दो का फैसला कर देती है, उसकी डेक्लरेशन की हद तक भी फैसला दे देगी, उसके पोजेशन को भी वो कह देगी ठीक है जी ये पोजेशन का अहल है लिहाजा इसको इस प्रॉपर्टी का ये घर का पोजेशन दिया जाए, लेकिन उस घर के रेंट के बारे में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। जहाँ कोर्ट ने रेंट का फैसला नहीं दिया यही समझा जाएगा उसने रेंट वाला जो रिलीफ था उसको रिफ्यूज कर दिया। क्लियर जी रमजान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव क्लियर होगी सबको?
अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर सिक्स पे. वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स. All persons interested in such rights shall, for the purpose of this section, be deemed named under the person so litigating. अच्छा जी, अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी हो रही है कि पब्लिक राइट के लिए अगर कोई पार्टी इन पर्सन जो है वो क्लेम कर रही है और वो राइट ऐसा है जो कि पब्लिक राइट है, तो यही समझा जाएगा कि जो लोग उसमें शामिल नहीं भी थे ना वो भी शामिल हैं. मिसाल के तौर पे एक पूरी गली है, उस पूरी गली में पब्लिक राइट है. वहाँ पे जो एक स्कूल शामिल है, चले स्कूल की वहाँ पे एग्जांपल हम पुट कर लेते हैं. एक गली है और उसमें एक स्कूल बना हुआ है. अब पूरी गली को ये राइट हासिल है कि वो उस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं. लेकिन स्कूल जो है वो उस पूरी गली के बच्चों का एडमिशन मना कर देता है, रोक देता है कि इस गली के लोग इस स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते. अब उस पूरी गली में से सिर्फ दो लोग उठते हैं उस स्कूल के खिलाफ, कोई ना कोई सूट फाइल कर देते हैं या डिक्लेरेशन देने के लिए आ जाते हैं, बाकी लोग खामोश हैं क्योंकि ये पब्लिक राइट है. कोई भी शख्स अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिल करवा सकता है, ये पब्लिक राइट है. अब पूरी गली में 10 लोग हैं, 10 घर हैं, लेकिन सिर्फ दो घर के लोग जो हैं वो उठते हैं और सूट फाइल कर देते हैं इस स्कूल के मालिकान के खिलाफ डिक्लेरेशन के लिए, और वो सूट उन दो घरों के हाथ में आ भी जाता है, डिक्री हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि बाकी के जो 8 लोग थे जो उस स्कूल में शामिल नहीं थे वो भी शामिल तसव्वुर किए जाएंगे और वो भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं. क्लियर? एक्सप्लेनेशन नंबर सिक्स. वो ऐसे ही समझा जाएगा कि पूरी गली ने सूट फाइल किया है, बेशक दो लोगों ने किया है, 8 के 8 खामोश बैठे रहे हैं, लेकिन यही समझा जाएगा क्योंकि ये पब्लिक राइट है. एक बंदे ने फाइल किया तो एक ही जैसी बात है, या 10 लोगों ने पूरी गली में फाइल किया, एक ही बात है. अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, सेक्शन हमारा है 12, बाग फदसू. Here, a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action. He shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court which court applies. Rules के तहत जहाँ किसी शख्स को एक fresh suit लाने से मना कर दिया गया है, तो वो उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर दूसरा सूट या फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगा, बल्कि उसी को रीस्टोर करवाएगा. यहाँ से इसके जो ऑर्डर टू रूल टू उसमें है ना कि जो हिस्सा छोड़ दिया गया है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ सूट, जो हिस्सा छोड़ दिया गया उस हिस्से को लेके दोबारा प्लेंटिव अदालत में नहीं जा सकता. ये नहीं कि आधा एक रकम, उसने 1,00,000 रुपए की रकम लेनी है एक ही शख्स से और उसी शख्स ने उसने 2,00,000 रुपए मजीद लेने हैं. अब वो 1,00,000 रुपए की हद तक सूट करता है, 2,00,000 रुपए की हद तक वो छोड़ देता है, वो 2,00,000 रुपए का जिक्र ही नहीं करता. 1,00,000 रुपए की रकम मिल गई, अब उसी शख्स के खिलाफ वो 2,00,000 के लिए फिर सूट फाइल कर दे, तो ऐसे नहीं होगा, बल्कि एक ही दफा उसने 3,00,000 रुपया क्लेम करना है एक ही सूट में. और अगर नहीं किया तो फिर सेक्शन यहाँ पे 12 जो है वो कहता है कि वो दोबारा नया सूट फाइल नहीं कर सकेगा. इसके साथ जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो लिख लीजिए, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 23 रूल 1. जब हम कोई भी सूट विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन एनी ग्राउंड, 23A के तहत सूट वापस लेते हैं, हम विड्रॉ करते हैं और अगर हम कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं देते वैसे सूट वापस ले लिया, तो फिर उसी काज ऑफ एक्शन पे हम दोबारा सूट फाइल करने के काबिल नहीं रहेंगे.
ऑर्डर 9 रूल 9 अच्छा इसके बाद सेक्शन 44 इससे रेलेवेंट है सेक्शन 47 ऑर्डर 22 रूल 9 ऑर्डर 23 रूल 1 मैं रिपीट करती हूँ रेलेवेंट प्रोविजन इसके साथ ऑर्डर 2 रूल 2 Order 23, Rule 1. Order 9, Rule 9. Section 144. Section 47. Order 22, Rule 9. अच्छा जी उसके बाद इसकी सेकंड प्रोविजन हम पढ़ेंगे अच्छा इसके साथ QSO का आर्टिकल है 58 वो भी ऐड करें QSO आर्टिकल 58 ये जो सेकंड प्रोविजन है ना इसकी सेक्शन 147 और सिर्फ 47 ये रेस्टोरेशन ऑफ सूट्स की बात करें रिस्टोर करना ये नया सूट फाइलिंग करना बल्कि रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी 144 के तहत और इसके अलावा है सेक्शन 47 47 आर्टिकल 58 है QSO आर्टिकल 58 सेक्शन 147 नहीं है ये 47 यानी कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है किसी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए तो उस क्वेश्चन को एग्जीक्यूशन के दौरान ही उसको जो है वो डिसाइड किया जाएगा उससे रिलेटेड नया सूट फाइल नहीं करेंगे हम सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी के मुताबिक एग्जीक्यूशन के दौरान जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे उन्हें एग्जीक्यूशन करने वाली कोर्ट ने डिसाइड करना है उससे रिलेटेड ये नहीं कोर्ट कहेगी कि भाई ये तो डिग्री में डिसाइड नहीं हुआ लिहाजा आप इस पे नया सूट फाइल करें बल्कि जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रही होगी उस डिग्री को वो उस डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो उसको डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है अच्छा जी अब इसकी प्रोविजन जो सेकंड प्रोविजन है उस पर चलते हैं वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट डिग्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit. अगर किसी के खिलाफ कोई decree या फिर कोई order या कोई judgment आ जाती है जिसका जो के fraud से ली गई हो या फिर misrepresentation से ली गई हो या want of jurisdiction यानी किसी पार्टी ने फ्रॉड से कोई डिग्री या ऑर्डर ले लिया या उसने मिसरिप्रेजेंटेशन से वो ऑर्डर या डिग्री अपने हक में करवा ली है या फिर वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उस मैटर को एंटरटेन करने के लिए लेकिन फिर भी उसने डिग्री पास कर दी अब ऐसी तीनों सिचुएशन के खिलाफ अगर किसी शख्स ने रेमेडी अवेल करनी है तो वो नया सूट नहीं लाएगा बल्कि उसी कोर्ट को एप्लीकेशन देगा जिसने वो जजमेंट पास की या वो डिग्री पास की या फिर वो ऑर्डर पास इसके खिलाफ हम रिवीजन में चले जाएंगे अगर वो रिजेक्शन हो जाती है एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो फिर हम रिवीजन में चले जाएंगे
अच्छा अब इसकी जो लिमिटेशन है इसकी जो लिमिटेशन है एप्लीकेशन देने की वो 3 साल है. 3 साल के अंदर अंदर हम उस इकरी को जब फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या अकाउंट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे ली गई है हमने सेम उसी कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है जिसने उस इकरी को पास किया. और लिमिटेशन है 3 ईयर्स अंडर आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. नहीं तो वीएन तो देखे उसी कोर्ट में थोड़ी जाएगी, डिवीजन तो जाएगी अपना एप्लेट कोर्ट में. एप्लीकेशन सिर्फ हमने उस कोर्ट में देनी है. अगर वो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी तो फिर हम एप्लेट कोर्ट में डिवीजन दे देंगे. अच्छा अब इसमें अमेंडमेंट भी आ चुकी है सब सेक्शन जी जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी. लेकिन अगर वो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो फिर अभियान चली जाएगी ऊपर हाई कोर्ट में. अच्छा जी पंजाब अमेंडमेंट यहाँ पे सेक्शन 12 जो है इसमें तीसरी प्रोविजन भी उन्होंने शामिल की है. फॉर पर्पसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 द कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपीडिशियस डिस्पोजल अप्लाई सच फेयर प्रोसीजर एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वारंट and unless for reasons to be recorded it directs otherwise order any fact to be proved or disproved by applicant. अब यहाँ पर कहता है कि जो प्रोसीडिंग यानी 12-2 की जो एप्लीकेशन आएगी उसका फौरी तौर पर तेज तर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा, जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और डिस्पोज ऑफ करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कोर्ट इसका तस्किया कर देगी, इस एप्लीकेशन को निपटाएगी. और इसके लिए अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उस केस के ऐसे हैं कि वो एफिडेविट के जरिए किसी फैक्ट को प्रूफ या डिसप्रूफ करना अगर तस्क किया जा सकता है तो उसे प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए एफिडेविट भी दिया जा सकता है. उस एफिडेविट पर ही कोर्ट 12-2 की एप्लीकेशन को निपटा सकती है ये एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए. जल्दी उस एप्लीकेशन को निपटाने के लिए अगर कोर्ट समझती है कि हालात और वाकयात ऐसे हैं कि किसी मैटर को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए एफिडेविट दिया जा सकता है तो कोर्ट एफिडेविट कबूल कर लेगी. जी क्लियर हो गया ना. अब सेक्शन 12 क्लियर हो गया. अब आगे चलें. अगर कोई इसमें आपको लग रहा है कोई एम्बिगिटी रह गई है किसी को समझ नहीं आई किसी चीज की तो फिर वो पूछ सकता है. अच्छा जी उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन 13 पे. व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव. अच्छा 12-2 में एक और चीज भी जो है वो आपको क्लियर कर दूं. बार दफा ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में 12-2 की एप्लीकेशन दी जा सकती है. आप लोग जरा बताएं आप क्या कहते हैं 12-2 की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है. जो कह रहे हैं नो वो जरा दोबारा से इसको पढ़ें, दोबारा से पढ़ें. यहाँ पे बताया गया ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास्ड द फाइनल जजमेंट डिग्री और ऑर्डर. फाइनल जजमेंट डिग्री और ऑर्डर अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है
तो एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में ही दी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ हम जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दें। जी, फाइनल जजमेंट जब अपील में एक ऑर्डर जाएगा या अपील में कोई डिक्री जाएगी, जब उस एप्लेट कोर्ट में उस डिक्री को डिसाइड कर देना है, तो फिर हम उसे ही फाइनल जजमेंट या फाइनल डिक्री कहेंगे। नहीं, डायरेक्ट तो जा ही नहीं रहे ना, डायरेक्ट तो हम लोग जा ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, वो फ्रॉड पे हो गया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस ऑर्डर को 12-2 की एप्लीकेशन के तहत उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको खत्म करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, तो हाईकोर्ट उसको खत्म करे। नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन की बात है, अपील नहीं ना कर रहे हम लोग। अगर अपील करेंगे तो फिर लीव टू अपील देंगे, अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं दे रहे हैं तो एप्लीकेशन के लिए लीव नहीं दी जाएगी। एप्लीकेशन में और अपील में फर्क है। अपील के लिए हम लीव टू अपील फाइल करके जा सकती है, एप्लीकेशन जो है वो अलग। अच्छा जी, ठीक हो गया, क्लियर है आप सब सबको। अब हम चलते हैं सेक्शन 13 पे, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। इसके साथ जो रेलेवेंट प्रोविजन हैं वो आप लिखने, तो सेक्शन 44A सीपीसी का ही, मेरा ख्याल है शायद ये अमेंड, इसको अमीट कर दिया गया सेक्शन 44A को। नहीं, ये है 44 अमिटेड है, 44A तो है। अच्छा जी, अब क्या है कि अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल एक्सेप्ट। Here it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. अब ये उस फॉरन कोर्ट की बात हो रही है जिसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हर कोर्ट की नहीं। इंडिया से फैसला हुआ है और आके पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होगा। हालांकि हम लोग उनकी जो जजमेंट्स आती हैं हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, उनका हम लोग बड़ा हवाला देते नजर आ रहे होते हैं क्योंकि इंडियन हाई कोर्ट में। जी, अजान हो रही है तो वेट करते हैं अभी।